नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। लांजी, गुटखा खाकर थूकना पटवारी को पड़ा महंगा। 1,000 रुपए के जुर्माने के साथ 2 दिन का वेतन काटने का आदेश। आपको बता दें कि किन्नापुर के पटवारी राजकुमार लिल्हारे को सार्वजनिक स्थल पर गुटखा खाकर थूकना महंगा पड़ गया है। किन्नापुर SDM आयुषी जैन ने बताया कि 29 अप्रैल को किन्नापुर के क्वारंटाइन सेंटर के निरीक्षण के लिए अन्य अधिकारियों के साथ पहुंची थी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पटवारी को गुटखा खाने के बाद थूकते हुए देख लिया। पटवारी को इस तरह सार्वजनिक स्थल पर थूकने के लिए उन्होंने फटकार भी लगाई। इसके बाद उन्होंने पटवारी लिल्हारे पर सार्वजनिक स्थल पर थूक कर गंदगी फैलाने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया और उसका 2 दिनों का वेतन काट कर उस राशि को मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराने के आदेश दे दिए हैं। मैम, COVID-19 के चलते कुछ आदेश जारी हुए थे राज्य सरकार, केंद्र सरकार की, उनकी यदि कोई शासकीय कर्मचारी यदि सार्वजनिक जगहों पर थूकता है तो उसके लिए जुर्माना होता है, ऐसा आपके यहाँ भी हुआ था? क्या था पूरा मामला? जी, जो केंद्र सरकार के जो आदेश है उसके आधार पर अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर थूकता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर 1,000 रुपये का जुर्माना करने के जो आदेश है उसी तारतम्य में उत्कृष्ट स्कूल जो कि हमारा सेंटर बनाया गया है क्वारंटाइन सेंटर, उसमें संलग्न कर्मचारी पटवारी हमारे निर्धारित राजकुमार निर्धारित इनके द्वारा जब विजिट पे सभी अधिकारीगण मौजूद थे इनके द्वारा गुटखा खाया गया एवं थूका गया सार्वजनिक स्थान पर। जबकि हम सभी लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि इस प्रकार की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी क्योंकि अभी वैसे भी इन्फेक्शन फैल रहा है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जो हरकत की गई उन पर तत्काल 1,000 रुपये का जुर्माना लगाकर उनका जमा भी करवाया गया है और आगे उनको वार्निंग भी दी गई है कि आगे ऐसी हरकत की जाती है तो उनके साथ ही कार्रवाई की। खबर समय जगत के लिए लांजी से रूपेश रापते की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।